सो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं मोबाइल के रियर कैमरे से स्लो मोशन वीडियो कैसे बनाया जाता है। दोस्तों बहुत ही गजब गजब के स्लो मोशन जो है बनते हैं मोबाइल के रियर कैमरे से। तो कैसे आप इस मोबाइल में स्लो मोशन वीडियो बनाओगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वो दोस्तों आपके पास कोई सा भी मोबाइल हो, सभी मोबाइल में दोस्तों आप स्लो मोशन वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो कैसे आप स्लो मोशन वीडियो बनाओगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो है अपने मोबाइल का दोस्तों कैमरा ओपन कर लेना है। मोबाइल का कैमरा ओपन होने के बाद अब यहाँ पर आपको स्लाइड करना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मोर का ऑप्शन आएगा, इस पर आप आ जाना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्लो मो या स्लो मोशन नाम से एक दोस्तों ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको स्लो मो के ऑप्शन पर आपको इस तरह से दोस्तों क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ये बैक कैमरा चल रहा है। अब चलिए मैं आपको जो है स्लो मोशन वीडियो बनाकर दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है इस पर मैंने क्लिक कर दिया, अब ये वीडियो बनना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मैं इस तरह से करके आपको दिखा देता हूँ और अभी प्ले करके आपको दिखाऊंगा कि स्लो मोशन किस तरह का वीडियो बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से मैंने वीडियो बना दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 12-13 सेकंड का वीडियो हो चुका है, मैंने स्टॉप इसको कर दिया है। अब दोस्तों आपको जो है बैक आ जाना है इस तरह से। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आप जो है मोबाइल की गैलरी को आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो मोबाइल की दोस्तों मैं गैलरी या एल्बम को फोटो को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने जो है 13-14 सेकंड का वीडियो बनाया था, अब यहाँ पर देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो ये 57 सेकंड का वीडियो बन चुका है। अब देखिए मैंने इस तरह से दोस्तों करके आपको दिखाया था। अब यहाँ पर देखिए वीडियो चल रहा है और कितने स्लो मोशन में वीडियो चल रहा है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी दोस्तों देखना यहाँ पर जो है इस तरह से मैंने किया था, अब यहाँ पर देखिए किस तरह का दोस्तों स्लो मोशन वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है गजब का स्लो मोशन वीडियो बना सकते हो, ठीक है। ये रिकॉर्ड हो चुका है, अब किसी एप्लीकेशन से आप फिल्टर विल्टर लगा लेना।